अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियो करने वाले हैं और वीडियो करने प्रेडिक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, आइए देखते हैं। लावालम, ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मेरे गुमान है। कैसे होगा कि इतनी बड़ी ताकत एटमिक पावर्स के मुकाबले में मुसलमान दोबारा मैदान में आकर और जीतते चले जाए? मेरा गुमान ये है, वल्लाहु आलम। इस पूरे मामले का सारा जो है एरिना जो है वो है मिडल ईस्ट। यूरोप, जिसमें हदीस में आया है कि रूमी ईसाई 80 झंडों तले तुम पर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, 10 लाख। और मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि आजकल जो एक डिवीजन होता है वो 12,000 का होता है, तो 80 डिवीजन्स आर्मी आएगी। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रूस, चाइना, जापान और मेरे ख्याल में इंडिया भी ये न्यूट्रल रहेंगे, निपट लो आपस में। तो इब्राहिमी कौमों का झगड़ा है ना कि फिलिस्तीन किसका है, मुसलमान कहते हैं हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा, ईसाई कहते हैं हमारा है। तो निपट लो, सेटल योर स्कोर्स। लेकिन कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल ना हो, अगर वो हुए तो फिर हम मैदान में आ जाएंगे। मेरा गुमान ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे मगरबी ताकत, और फिर जंग के अंदर मुसलमानों के साथ जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिनको मौत अजीज है, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, और वो मरने को तैयार नहीं है। वो तो 40,000 फुट की बुलंदी से डेजी कटर फेंक सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। और जब नीचे कुछ उतरे थे तो जो हशर किया था, तो जो बात कही थी रम्सफेल्ड ने, वेरी टेनेशियस फाइटर्स, ये अफगानिस्तान अफगान वाले जो है ये तो चिमट जाने वाले हैं, ये जंग ऐसे जंगजू हैं, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है। जिनके लिए मौत सबसे बड़ी कामयाबी है, शहादत में मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत में किस्मत को शायद मुसलमानों का मुकाबला कर सके। ये है मेरा गुमान, वल्लाहु आलम। बहरहाल पहला मरहला किसी अजमी मुल्क में जो मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल होगा, खिलाफत का निजाम पहले आएगा, फिर यहां से फौजें चलेंगी, हजरत मेहदी की हुकूमत कायम होगी, फिर वह हजरत मेहदी जो है वो जिहाद करेंगे, कताल करेंगे, और इस कताल के आखिरी मरहले पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाज़िल हो जाएंगे, और गालिबन उनके जरिए से फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक इनका हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया उनकी आंखों में ऐसी तासीर होगी जहां तक निगाह जाएगी यहूदी पिघल जाएंगे, कोई बहुत बड़ा लेजर होगा। और जाहिर बात है कि इनके ये हथियार जो है इनका मुकाबला तो मुसलमान नहीं कर सकते, और ना अभी आप कोई 100 बरस भी ये सोच सकते हैं कि कोई मुसलमान मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है कि उनके मुकाबले में पहुंच जाए इन हथियारों के मामले। तो ये असल में जो शख्स सरापा मौजदा था, हजरत ईसा जो है सरापा मौजदा, पैदाइश मौजदा, आसमान पर उठाया जाना मौजदा, खल्के हयात बनाया, मिट्टी का परिंदा फूंक मारी उड़ने लगा, एहयाए मौता, मुर्दा को कहा उठो कुंबेल दिल्ला, उठ गया चलने लगा, मादरदाद अंधे के आंख पर हाथ फेरी है उसको आंखें अल्लाह ने दे दी, कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरा और कोढ़ साफ, इससे बड़े मौजदे तो किसी को दिए ही नहीं गए। सरापा मौजदा वही आकर आखिरी जो भी होगा मामला उसके अंदर हजरत ईसा की मौजदाती शख्सियत जो है दर हकीकत वो फैसला कर दे। मेरे नजदीक ये है वो चीजें जिसकी बिना पर मैं समझता हूं कि हालात जो है जिधर जा रहे हैं। हजरत ईसा के आने के बाद दो नतीजे निकलेंगे, ईसाइयों का मजहब खत्म हो जाएगा। हदीस में आया है कि ईसा आएंगे यक्सुरु सलीम व यक्तुलुल खिंजीर,
सलीब को तोड़ देंगे। क्या मतलब? कहां तुम सलीब उठाए फिर रहे? मैं सलीब दिया ही नहीं गया। यह सब तुम्हारा एक मनगढ़ंत किस्सा है। मुझे तो अल्लाह ने पहले उठा लिया था। वमा कतलूहू वमा सलबूह, सलीब ही पर खड़ी हुई है ईसाइयत सारी की सारी। और खिंजीर को कत्ल कर दी, खिंजीर तुमने कैसे हलाल कर लिया अपने लिए? कभी इस्लामी शरीयत के अंदर? मूसा की शरीयत में हराम था, वही मूसा की शरीयत में तुम्हें देकर गया था। डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ, ये लॉ तुम पर नाफिज रहेगा। गोया के ईसाई मजहब खत्म होकर इस्लाम में मुंतखब हो जाएगा, यहूदी एक एक खत्म कर दिया जाएगा। यहूदी क्यों इस अंजाम के मुस्तहिक हैं? अल्लाह का पुराना कायदा चला आ रहा है, जिस कौम की तरफ किसी रसूल को भेजा, अगर कौम ने बहसियत मजमूई रसूल का इंकार किया वो हलाक कर दी गई। कौम नूह हलाक हुई या नहीं? कौम हूद आद हलाक हुई या नहीं? कौम समूद जिनकी तरफ हजरत साले भेजे गए, कौम शुएब, अमूरा और सदूम की बस्तियां, आले फिरौन, यहूदियों की तरफ हजरत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया था, इन्होंने रद्द कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को रद्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस सजा के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन वो सजा उनका रसूल ही उनको आकर देगा, इसीलिए उन्हें उठा लिया गया। एक पॉज आ गया है। मुस्तहिक तो हो गए थे उसी वक्त हजरत ईसा के जमाने में कि हलाक कर दिए जाए, लेकिन हजरत ईसा को, हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा को उठा लिया और उनका मामला जो है वो मुलतवी कर दिया। जैसे किसी को फांसी की सजा तो हो जाए लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर हो गई। यहूदी खत्म, ईसाइयत खत्म, और ईसा और ईसाई सब मुसलमानों के साथ शामिल होकर एक मिल्लत वांडा बन जाएंगे। फिर अगला मरहला आएगा ग्लोबलाइजेशन का, हजरत मसीह के हाथों होगा वो, पूरी दुनिया में वो इस्लाम का निजाम आएगा। ओके, तो थोड़ा प्रेडिक्शन टाइप बताया उन्होंने कैसा शुरुआत में कि ना वो रशिया चाइना इंडिया जर्मनी सब न्यूट्रल होंगे, ठीक है, कितने झंडों के बिलो बेसिकली लाइक इस्लाम वर्सेस थ्री कंट्रीज एक साथ होगी जिसमें चार पांच कंट्रियों के नाम पे वो न्यूट्रल हो गए, ठीक है, और वो मेजरली स्टार्ट होगा ईसाइयों में मुसलमानों फिलिस्तीन के थ्रू, ऐसा बताया जो बोला है। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं यूज हो सकता, तो वो आईस से रिलेटेड वो बाद में वो से पहले मेहंदी हसन का अंडर लोग वॉर लड़ेंगे, फिर बाद में इस हजरत ईसा आएंगे, ये उसके बाद जो आईस से वो लेजर टाइप होगा, दे विल फिनिश एवरीवन ऑफ जो थे उदीस, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया है। बड़ी प्रेडिक्शन है बोला ना तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तब तक के लिए देखो, लाइक सब्सक्राइब, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल।